महाकाल की सवारी में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर उज्जैन के कप्तान द्वारा अधिकारियों को साथ लेकर आज सवारी मार्ग का निरीक्षण किया गया। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी 6 जुलाई सोमवार से शुरू होगी। सावन भादों की प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली सवारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व महाकाल मंदिर प्रशासन सुजान सिंह रावत ने सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। यहां पुलिस अधीक्षक ने गलियों, चौराहों व सड़कों का निरीक्षण किया जहां से सवारी निकलनी है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि कहां पर कितना पुलिस बल लगाना है, कहां कितने बैरिकेडिंग करनी है। दरअसल शुरू के 3 सवारी में आम श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरे के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। सवारी का सीधा प्रसारण टेलीविजन, यूट्यूब व फेसबुक के माध्यम से किया जाएगा, जो कि श्रद्धालु घर बैठे दर्शन कर सकेंगे। फिर दिन बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, उसकी व्यवस्था में इस साल परिवर्तन हुआ है ताकि कोरोना के संकट से हम शहरवासियों को निजात मिल सके और बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी सबके ऊपर बना रहे। इस ख्याल से एक नई व्यवस्था, नई मार्ग का निर्धारण हुआ है, उसी का हम पैदल भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन सी गलियाँ हैं, कौन से रोड हैं, किस रोड पे कहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस है, कहाँ अपने को बैरिकेड लगाना है, कहाँ कितना बल लगाना है, इसका पूरा मैं अपनी पूरी टीम के साथ भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहा हूँ कि वहाँ एक अच्छी व्यवस्था दी जाए ताकि आम पब्लिक को दिक्कत भी ना हो और एक लाइव दर्शन की जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि पब्लिक को घर बैठे यूट्यूब पर इंटरनेट के माध्यम से लाइव दर्शन करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि मार्ग जितना खुला रहेगा, प्रशस्त रहेगा, जितना अच्छी व्यवस्था रोड मार्ग व्यवस्था रहेगी। सवारी का रूट हमने थोड़ा सा परिवर्तित किया है, तो इस परिवर्तित मार्ग पर जो व्यवस्थाएं करनी है वहाँ पर साफ सफाई है, बैरिकेडिंग है और गंगाई कोताही और जो चीज़ें होती हैं बिजली के तार वगैरह से देखने के लिए, तो उनका जो विजिट किया है और जो विभाग हैं PWD, नगर निगम, पुलिस भी साथ में था, जो कमियां हैं उनका पूरा कर रहे हैं और बाबा की सवारी के लिए इस पूरे मार्ग को हम लोग सजा रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। सर, जो स्थानीय केबल है उस पर भी सवारी के लिए की चर्चा कर रही, किस तरह की चर्चा हुई और उसको कैसे हम घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, चूँकि इस बार जो परिस्थितियाँ हैं उसमें आम श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे, तो उनको उनके घर तक और उनके हाथ में जो मोबाइल है वहाँ तक ये लाइव प्रसारण करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो लोकल हमारा सिटी केबल है उनके साथ में आज हमारी बात हुई है, तो हम पूरा लाइव प्रसारण करेंगे सवारी का पूजन से लेकर वापसी तक के लिए, और इसका सजीव चित्रण भी होगा, लाइव कमेंट्री भी होगी, आम श्रद्धालुओं को इस परंपरा के संबंध में जानकारियां भी रहेंगी इसमें, और हर पल पल की आंखों देखा हाल उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें हम जो मंदिर समिति का मोबाइल ऐप है, हमारी वेबसाइट है, हमारा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इस पर भी रहेगा, प्लस जो लोकल हमारे चैनल हैं उज्जैन शहर के उनके ऊपर भी हम इसका लाइव प्रसारण करेंगे, और जो अन्य चैनल है उनसे भी हमारी बात चल रही है, उनको भी हम इसके लाइव फीड देंगे ताकि देश भर में, दुनिया भर में जो बैठे हुए श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन और इस सवारी का लाभ ले पाए। जो आम लोग, इसमें हम सारे जो आम श्रद्धालु हैं उन सबसे अपील करना चाहते हैं कि वर्तमान में जो कोविड की स्थिति है उसको देखते हुए सभी लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और उस सुरक्षा के लिए हमने इस बार रूट को भी परिवर्तित किया है, और आम श्रद्धालुओं से हम आग्रह भी करेंगे कि वो अपने घर पर ही बैठकर बाबा की इस सवारी का इस बार आनंद लें, और उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं उनको घर पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं।